मध्य प्रदेश में खरगोन के पुलिस विभाग द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रतिकार एवं प्रहार के तहत पुलिस अधीक्षक खरगोन द्वारा पूरे जिले भर में नशीले पदार्थ बेचने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश जारी कर जिले में अलग अलग टीम गठित कर बीती रात कार्यवाही को अंजाम दिया। गांजा बेचने वालों पर पुलिस ने चलाया अभियान प्रहार। 3 आरोपियों पर खरगोन पुलिस ने की कार्यवाही। 85,000 रुपये कीमत के गांजे के साथ आरोपी पकड़े गए। राधेश्याम जाट से 3 किलो गांजा, मनोज रघुवंशी उर्फ लल्लू 600 ग्राम गांजा, पहाड़ सिंहपुरा शेखर कुमावत 750 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशों पर चोर ललित सिंह डागुर के नेतृत्व में उप निरीक्षक धीरेश धारवाल, पप्पू मौर्य, अरविंद सिंह गौर, मनमोहन सिंह सहित पुलिस टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा ऑपरेशन प्रतिकार और प्रहार चलाया जा रहा है। प्रतिकार के तहत हमने आम आदमी को काफ़ी समझाइश दी है। आम जनता को बताया गया है कि नशीले पदार्थों से मुक्त रहें, नशा ना करें। अब ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है, जिसके तहत जो गांजा बेचने वाले या अवैध नशीले पदार्थ बेचने वाले उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। कल खरगोन कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली। हमने 3 स्थानों, अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे करीब 4.5 किलोग्राम गांजा हम लोगों ने बरामद किया है। ये अभियान है, लगातार जारी रहेगा। सर, ये नशीले पदार्थ युवा पीढ़ी को काफ़ी घातक हैं और युवा पीढ़ी को बरगलाने का ये अपराधों की ओर मोड़ता है। बिल्कुल, जन अभियान चलाने की आवश्यकता है और मैं प्रेस से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये बात सब तक पहुँचे कि नशीले पदार्थों से हमारी युवा पीढ़ी है वो बर्बाद हो रही है और देश को नुकसान हो रहा है। सर, NDPS में क्या कार्रवाई की गई, कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए? मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा वर्तमान में ऑपरेशन प्रतिकार और प्रहार चलाया जा रहा है, जिसके तहत प्रतिकार में हमने काफ़ी समझाइश लोगों को दी कि नशे से दूर रहें। ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सुनील पांडे जी के निर्देशन में लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कल बहुत बड़ी कार्रवाई खरगोन पुलिस द्वारा की गई है, जिसमें 3 स्थानों पर अलग अलग छापे मारकर मुखबिर की सूचना पर 3 आरोपियों को पकड़ा गया है, जिनसे करीब 4.5 किलो गांजा हम लोगों ने बरामद किया है। ये ऑपरेशन प्रहार अब जारी रहेगा। कहाँ कहाँ से पकड़े? ये अलग अलग 3 स्थानों से पकड़े हैं। इसमें आरोपी हैं राधेश्याम, मनोज, लल्लू और शेखर। कितनी मात्रा में पकड़ा गया? करीब 4.5 किलोग्राम गांजा तीनों से मिलकर बरामद हुआ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।